भायंदरपुर की नवघर पुलिस ने बोल बच्चन कर बुजुर्ग महिलाओं को ठगने वाले दो ईरानी मुल्क के नागरिकों को भिवंडी के पिंपरी पाड़ा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए नवघर पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुस्लिम समाज के गन वस्त्र पहने थे ताकि आरोपियों और उनके परिजनों को भनक न लगे और नवघर आसानी से दोनों आरोपियों को पकड़ ले। नवघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संपत राव पाटिल ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 5 नवंबर को नवघर पुलिस स्टेशन की हद में गोल्ड नेस्ट परिसर के सोरम सागर इमारत के करीब एक 56 वर्षीय महिला जब मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी, उस वक्त दो लोगों ने महिला को रोक कर उनसे उनके पहने हुए गहने ये कहकर निकालने के लिए कहे कि आगे किसी अपराधी ने एक महिला का गला रेत कर हत्या कर दी है, इसलिए आप अपने गले का हार निकाल के छुपा दो। जैसे ही महिला दोनों आरोपियों की बात में आई और उसने अपने गले में पहने 12.5 ग्राम का सोने का चेन निकाल के आरोपियों को सौंपा। आरोपियों ने महिला का चेन बदल कर उसे कागज में लपेट कर नकली हार दे दिया। जब महिला घर पहुंची और इसने कागज खोल कर देखा तो उसमें नकली हार निकला, जिसके बाद महिला ने नवघर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। 56 वर्षीय महिला के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में नवघर पुलिस स्टेशन के क्राइम यूनिट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहले घटना स्थल और उसके आसपास के वारदात के दिन का सीसीटीवी फुटेज निकालकर दोनों आरोपियों की पहचान की। उसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए मुस्लिम समाज के गन वस्त्र पहनकर दोनों ईरानी मुल्क के आरोपियों को भिवंडी से गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों के परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला भी किया, जिसमें नवघर पुलिस स्टेशन के कुछ कर्मचारी मामूली से जख्मी हुए हैं। ये घटना दाखिल होने के बाद में हमारे जो सुपीरियर ऑफिसर है उन्होंने घटनास्थल पे विजिट किया था। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हम लोग, हमारे जो डीबी का स्टाफ है, सबको उन्होंने गाइडेंस किया था, उस तपास के बारे में सूचना दिया था। वो वरिष्ठ के सूचना के मुताबिक हमारे जो डिटेक्शन ऑफिसर है सहायक पुलिस काले, सहायक पुलिस देवरे, उनका स्टाफ पूरा, वो सब पूरा जितना परिसर है, जिस जो भी एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, आजू बाजू का एरिया, वो सब सीसीटीवी फुटेज और तांत्रिक स्टडी करके ये जो लोग है वो ईरानी समाज के लोग, ऐसा हम लोग और हम लोग का पक्का हुआ था। वो हिसाब से इन्फॉर्मेशन निकाल के वो ईरानी वस्ती जो भी कल्याण पिपरी पाड़ा भिवंडी अम्बिवली ये एरिया में है, वो लोग हमारे जो डिटेक्शन टाप है उन लोगों ने नज़दीक जो मुस्लिम एरिया है उनके जो पहराव रहता है वेशभूषा, वो हिसाब से उन्होंने वो पहराव वेशभूषा करके वो एरिया में जाके इन्फॉर्मेशन निकाल के जो जिसने जो इंसिडेंट्स किया था, जो भी चीट किया था या बतावनी किया था, पुलिस बतावनी जो किया था, वो आरोपी के बारे में जानकारी लेके वो लोग वफा कंपाउंड भिवंडी पिंपरी पाड़ा वो आने का जब मालूम हुआ था, वो हिसाब से वो पहराव करके उन लोगों ने एक भाड़े पे महिंद्रा जीप का एक जीप पिकअप जीप भाड़े पे करके वो उन्होंने एक ट्रैप लगाया था और वो लोगों को ट्रैप लगाया उन लोगों को, ये जो वांटेड थे अपने को उनको पकड़ा गया। उसी टाइम वहाँ के कोई स्थानिक लोग, उनके रिलेटिव लोगों ने, ये आरोपी ने जो चिल्लाया तो सब लोग जमा हो गए, लोगों ने अपना पुलिस पतक के ऊपर अटैक किया, उसमें अपना जो वफा जो गाड़ी था पिकअप जो महिंद्रा था उसका पूरा कांच का तोड़फोड़ हुआ, हमारे ऑफिसर को थोड़ा चोट आया, कोई सब से उन लोग के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुआ शांतिनगर में। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसआरएस न्यूज़।